आते ही कहा था कि मैं तो युवा लोगों के बीच आता ही इसीलिए हूँ कि अपना जीवन साझा करूँ, अपनी यात्रा साझा करूँ। फिर सबको सुनने के बाद लगने लगता है कि नहीं, इसमें ऐसा क्या है, मैं साझा क्यों करूँ? और क्योंकि एक चीज़ मुझे दिखाई पड़ने लगी, उसको मैं कहकर जाना चाहता हूँ ताकि आगे के लिए हमारे जो युवा पत्रकार हैं वो इसका ध्यान रखेंगे। हमारे मित्र शुभ वाजपेयी कुछ ये बड़ी सुंदर कहते हैं, करते रहे। एक तो ये कि एक घंटे का कार्यक्रम और प्यासा छोड़ देना अच्छा है खा देने के बजाय। और दूसरी बात ये जो हमारे अलकाजी साहब करते थे और जिसके कारण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आज तक जाना जाता है कि अगर समय पर आपने कोई समय दिया है तो आप कार्यक्रम शुरू कर दो, भले चार लोग जो आएंगे वो उसमें शामिल होते जाएंगे। हम लोग असल में जैसा समाज है, सांस्कृतिक पत्रकारिता से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ, ये कह के कहने वाली बात जो भी हमारे जीवन के अनुभव हैं कि असली बात रह जाती है, बातचीत संवाद प्रेम से मिलना जुलना धैर्यपूर्वक सुनना कुछ एक दूसरे को ध्यान लगाकर सुनना वो चला जाता है। तो हम बहुत सारा समय फूलमाला में परिचय में युवा पत्रकारों ध्यान रखना ये नहीं करना। अलकाजी साहब नेहरू अलकाजी साहब ने कहा था नेहरू से कि हम अपना कार्यक्रम समय पर शुरू करते हैं। आई फिक्स की घटना है, सच्ची घटना है। फिर भी प्रधानमंत्री थे नेहरू तो अलकाजी साहब ने उस नियम को भी तोड़ते हुए 10 मिनट प्रतीक्षा की आई फिक्स में। नेहरू आ रहे हैं तो उनको कम से कम इतना तो हम 10 मिनट भी ज्यादा छूट देते हैं। फिर वो अंदर चले गए, उन्होंने कहा कि अगर नेहरू आए तो उनके लिए वो सीट है, वो वहाँ बैठ जाए, पर अब मैं अंदर जाता हूँ, नाटक शुरू होगा। मैं उसका कायल इसलिए भी मैंने कहा कि क्या मैं बोलूँ कि न बोलूँ। असल में देश दुनिया में इतना घूमते हुए, इतनी चीज़ें देखते करते हुए कभी कभी मन में अंदर इरिटेशन जागती है कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार मैंने कहा कि बहुत बड़ा प्रतिभा का विस्फोट है इस देश को, उसकी बात मैं करना चाहता हूँ जो हमारे ध्यान में नहीं रहती। हम लोग कुछ बहुत छोटी मोटी चीज़ें भूलना चाहते हैं कि समीक्षा नहीं हो रही, सांस्कृतिक पत्रकारिता को जगह नहीं मिल रही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जरा सा ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा लेकिन वो काम कहीं हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। वो खाली एक अखबार में एक रिव्यू छप जाना तो पत्रकारिता नहीं है, सांस्कृतिक पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज़ है। और जो अभी हमारे मधु आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई नंद किशोर जी ने कि पत्रकारिता अपने आप में सांस्कृतिक। मैं रहा मैं थोड़ा सा दृष्यांतर करता हूँ और अपने जीवन पर आता हूँ। वो प्रचार नहीं है मेरा, उसकी कोई जरूरत मुझे नहीं रहेगी, पर उसका साझा मैं युवा लोगों से जरूर करता हूँ। तो मैं 18 साल का था, ये विषय से जुड़ी हुई बात, सांस्कृतिक पत्रकारिता से जुड़ी हुई बात ही, इसको आप मानिएगा, इसको एक व्यक्ति की जीवन यात्रा पर मत मानिएगा। तो मैं 18 साल का था और 15-16 साल की उम्र में तय किया था कि मुझे भाषा की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में रहना है, कुछ भी हो जाए। मेरा भाग्य के 18 साल का था जिसके लिए चर्चा हो चुकी है, तो मेरी कुछ ये छिप गई कल्पना में, कहानी में। और उस समय का हिंदी संसार ऐसा था कि वो आप अगर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी चीज़ छप गई है तो आपको पूरा हिंदी संसार जान जाता था। कहानी गति कल्पना मुसुदा ये पत्रिकाएं थी हमारी जब हमने लिखना पढ़ना शुरू किया। उसके पहले कि हम लोग पढ़ा करते थे विशाल भारत आदि पत्रिकाएं जो हमारे पिता मंगाते थे और हंस, और बहुत लंबी परंपरा हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में साहित्यिक पत्रिकाओं में कलाओं पर लिखने बोलने की रही है, इसको पहले तो हम इसको न भूलें। तो मैं कलकत्ते में था, मेरे पिता का व्यवसाय बिल्कुल नष्ट हो गया, वो गांव जाने लगे, मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम क्या करोगे, कलकत्ता रहोगे कि मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा नहीं मैं कलकत्ता रहूँगा।
बोले कैसे रहोगे? मैंने कहा कुछ दोस्त हैं, कुछ कर लूँगा। और तब तक लिखने पढ़ने लगा था तो कहीं कहीं से थोड़ा पारिश्रमिक आने लगा। बहरहाल 23 साल की उम्र में वो मेरे जीवन की बड़ी घटना है, इसलिए उसका साझा एक पत्रकारिता के संदर्भ में कर रहा हूँ। तो जब कई 4-5 साल बीत गए तो लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए रुक करके, कि जो मैं छिटपुट करता रहता हूँ इससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं रहा। तो मैं किसी व्यक्ति के पास पहुँचूँ, किसी ऐसे संस्था में पहुँचूँ, जैसे आप पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता सीखने आए हो, तब कोई संस्थान नहीं हुआ करता, एक भी नहीं। तो पता नहीं क्यों कल्पना का ध्यान आता रहता था कि मैं उससे किस तरह जुड़ जाऊँ। तो मालूम हुआ कि बद्री विशाल व्यक्ति जिनको लेकर फिर मैंने जिस किताब का भी जिक्र हुआ है, बद्री विशाल, उनको अभी प्रणति देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए मुझ पर मैंने एक पूरी किताब निकाली है। उनकी याद सांस्कृतिक पत्रकारिता के प्रसंग से ही कर रहा था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मालूम हुआ आपको एक व्यक्ति की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ आऊँ, कल्पना में लिखता रहूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप आइए, फिर बात करते हैं। आप सोचिए मैं 23 साल का हूँ, लगता 20 साल का हूँ। और उन्होंने मन में मान रखा है कि मैं 40-41 साल का व्यक्ति हूँ। तो पहले तो मुझे देखकर वो चौंके, हो आप ही प्रयासरत हो। मैंने कहा हाँ यही हूँ। तो कुछ हंसे, प्रसन्नता से हंसे कि, और बोले कि अरे मुझे तो लगा था कि शायद ज़्यादा होगी। तो कुछ बातें हुई, फिर बोले कि ऐसा है कि मैं कल आपको बताऊंगा कि मैं आपको रख सकी हूँ, अब आप सोचो मेरी रात कैसी बीती, कभी नहीं भूलती। लगा कि मैं ऐसे दरवाजे से अगर वापस लौट गया तो क्या होगा मेरे जीवन में। और मैं हैदराबाद, कलकत्ता से पहली बार निकल हैदराबाद आया, वहाँ मैं किसी को जानता नहीं, सिर्फ एक पत्रिका है अपना, उसका पता मेरे पास है, मैं लिख चुका हूँ। बद्री विशाल जी बहुत मुस्कुराए दूसरे दिन जब मैं मिलने गया, बोला नहीं माँ को रखेंगे। मैंने भी कुछ सोचा रात, और उसका कहने का तरीक ढंग था उनका। तो उन्होंने कहा कि आप अब हमारे संपादक मंडल की औसत आयु कम हो गया है, मैं कभी नहीं भूला। अच्छा, वो पत्रिका जहाँ मौलिक साहब मिश्र रह चुके थे, रघुवीर सहाय रह चुके थे, और बड़े लोग उसमें थे, डॉक्टर आर्यन शर्मा जैसा विद्वान हैदराबाद विश्वविद्यालय का उसका प्रधान संपादक था। 1 साल में वहाँ रहा। और बद्री विशाल जी के बारे में अगर आप, शायद आपको नहीं मालूम होगा, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर अपने को पीछे रखा और ऐसे ऐसे काम किए जिनकी भी चर्चा करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि आज उन्हीं पर क्यों न बोलूँ कि हमको कुछ बातें समझ में आए। उसे इनके पहले संरक्षक 20 साल के थे, बहुत पैसे वाला परिवार था वो, और आज भी है। राजा उनके आगे वो लिखते थे, उनके पिता जो थे राजा पूनालाल की। और बद्री विशाल जी के हुसैन से खुद मित्र था, अज्ञे कल्पना के प्रभु लेखक, मुक्तिबोध कल्पना के लेखक, अंधेरे में वही छपी कविता मेरे रहते वही छपी, मुक्तिबोध की कहानी छपी पक्षी और दीमक। तो लोग आके वो धन दे दिया और हिंदी भाषा के लिए लगातार काम करने वाले एक धनी परिवार का बेटा, जिसने एक सभा में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा, जो कि बिल्कुल सच बात है, कि किसी ने कहा कि आप तो धनी परिवार से हो, आपको क्या मतलब। उन्होंने कहा मैंने अपने पिता की संपत्ति में लगातार कुछ घटाया है, मैंने उसे जोड़ा कुछ नहीं, पर देखिए क्या चीज़ें होती हैं, जीवन कैसा एक खेल, अच्छे अर्थ में खेल भी खेलता। हुसैन से मित्रता थी, हुसैन ने मेरा जीवन बदला। 23 साल के एक लड़के को वो एक दिन क्या पाता है कि हुसैन उसकी छोटी सी
और कोठरी जैसी केबिन प्रदीप विशाल जी कमरे के साथ वो प्रकट होते हैं। मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ, से ना कुछ बोल नहीं पाता। तो आप सामने इतना बोल रहा हूँ, मैं 30 साल की उम्र तक मेरे मुझसे बोल नहीं उठता था, क्योंकि बड़े लोगों को देखा था, उनके साथ रहते थे, जब एक संकोच भी रहता था और बड़ा एक तरह का भय भी कम में रहता था। हालांकि वो प्रेम करते थे लोग, अभी के सामने बोलते कि आपको लगता था कि एक प्रेजेंस है, और जब तक आपके कुछ सचमुच कुछ कहने का नहीं तो आप क्या बोलोगे। तो हुसैन साहब मेरे कमरे में आए, वो भी मेरे जीवन का एक क्षण है। बोले बद्री विशाल जी कब आएंगे? मैंने कहा बद्री विशाल जी अब आते ही होंगे, लगभग 4 बज रहा था, 4:30-5 आते थे, आप बैठिए। मुझे जाहिर मुझे नहीं जानते थे, बाद में खैर उनका बहुत प्रेम मिला और उन्होंने भारतीय कला के लिए जो किया है वो सब जानते हैं, आज जो सारी प्रतिष्ठा है वो उनके कारण कला को। तो थोड़ी देर बैठे रहे और बोले कि कुछ कुछ बातें उन्होंने की, जैसे मान लो उस खिड़की से थोड़ी ज़्यादा धूप आ रही है, इधर खिड़कियों में कम है, इधर दर कुछ और दिख रहा है, कुछ किताबें थी मेरी इमेज पर। बोले बहुत सुंदर, कोई भूल गया एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ऐसी चीज़ें बड़ा सुंदर मिल रहा है, यहाँ की खिड़की तो बहुत अच्छी है, यहाँ से कुछ पत्तियाँ दिख रही हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये अभी उठकर चले जाए, मैं तो यहाँ 3 महीने से बैठा हूँ, मुझे पसंद नहीं किया, हमने देखा नहीं इसमें से क्या विशेष है। वो दिन था और आज का दिन है, हुसैन साहब ने मुझे देखना सिखा दिया। तो पहला तो ये आपसे साझा करना चाहता हूँ उस प्रसंग से, देखना वैसे तो जीवन का भी मूल है, पर पत्रकारिता के लिए तो बहुत बड़ा मूल है। आज जो सज्जन मुझे लेने आए थे पत्रकार, उनसे मैंने कहा पत्रकारिता छोड़ो, अब नहीं बन सकोगे पत्रकार। तो बड़े हैरान हुए, बोले क्यों? मैंने कहा आपको कहा गया कि 9:10 पर फ्लाइट आती है, तो आप गाड़ी में बैठे हुए, आपके आसपास की सारी गाड़ियां जा चुकी, लोग जा चुके, मैं बाहर खड़ा हूँ, आपको ये नहीं लगा कि ये गाड़ियां क्यों जा रही हैं, क्या फ्लाइट आ गई? फिर मैंने उनसे कहा कि अब सीरियसली कहा कि आप छोड़ दो। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ पत्रकारिता के कुंजन जी से बैर मोड़ लेकर कहना चाहता हूँ कि आप छोड़ दो ये पत्रकारिता, कम से कम अगर उस जिस रूप में सिखाई जा रही है तो उसको छोड़ दो। हमने जो भी जीवन में सीखा है और आप भी जो सीखोगे अगर पत्रकारिता आपको करनी है तो वो जीवन से और पढ़ कर आएगी। दूसरी चीज़ मैंने उन सज्जन से पूछी जो 20 साल के हैं, आप इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? बोले किताब, मैंने कहा कि कोई किताब आपके कमरे में है? तो मैं बड़ा चकित होता हूँ उनकी, और हमारे पत्रकार बंधु खास तौर पर लड़के लड़कियाँ युवा, और मैं तो बहुत घूमता हूँ पटना में भोपाल में, और मैं युवा लोगों से बात भी करना चाहता हूँ कि भाषा की रिपोर्टर आ गई, राजस्थान पत्रिका की कहीं, तो मैंने कहा भैया तो फिर भाषा कहाँ से आएगी, तो आप लिखने चले हो वो कहाँ से आएगी? वो भाषा तो पढ़ने से आएगी, और वो भाषा संगीत से आएगी। तुम लको लाहल कलह में हृदय की बात है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती, जब नींद के बल चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे, चिर विषाद विलीन मन की व्यथा के इस तिमिर मन की, मैं उषासी ज्योति रेखा सहज कुस्मित प्रात रे, जहाँ मर ज्वाला धधकती चाक की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं मधुर बरसाती, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा जो, इस झुलसते विश्व दिन की मैं मधुर रात रे, कहाँ से मिलेगा मेरे संगीत, कहाँ से मिलेगी मेरे चीजें। थोड़ा तो प्रचार कर लेता हूँ, आज दैनिक भास्कर वालों ने मुझसे 1.5 महीने पहले कहा, मैं बड़ा अचरज में पड़ गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग कहते नहीं हैं, लेकिन इसी से विश्वास भी जागता है, कोई चीज़ कभी जाती नहीं है। पत्रकारिता मधु जी बहुत सारी चीज़ें भी याद कर रहे हैं,
लौट कर आना पड़ता है। तो भूख ऐसी हृदय की बात हर व्यक्ति सुनना चाहता है। तो आज काठ का संगीत नाम से दूसरे कॉलम का फोर्टनाइटली कॉलम है, आज उसकी दूसरी किस्त छपी है, आप जरूर देखें, ऐसा मेरा आग्रह है। तो अब एक दिन बैठ बैठा लगा काठ, तो याद आई कि अरे हमारी तो सारी वीणा प्रजाति की चीज़ें जो हैं वो सितार हो, तबला हो, वो तानपुरा हो जिसमें तुम्बा लगता है, सितार उसमें तो तुम्बा एक फल है, फिर मुझे याद आए बांसुरी, उनका बांसुरी वृक्ष है, फिर याद आई पंजी की कविता वीणा प्रजाति के ही सो गया निखिल वन का मर मर जो वीणा के तार, क्या सुनते से जुड़ गए। तो अब इतना पढ़ा, इतना याद किया, बल्कि मेरा मन तय हो रहा था कि एक सेशन में ये खाली आज युवा छात्रों को अपनी कंठस्थ के लिए कविता ही सुना। तो ये हम क्यों करते हैं और लिखना क्या आप सोचते हो मेज पर बैठ कर हो जाता है, इसलिए चीजें बड़ी नीरस होती। जो व्यक्ति अपना आधा लेख की टिप्पणी नहीं लिख चुका, शुरुआत इसको नहीं मिली कि पहला वाक्य क्या होगा, ये कहकर जाना चाहता हूँ मैं पहले वाक्य की तलाश में था, विषय मिल गया, पहला वाक्य यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा वृत्तांत लिख रहा हूँ, तो क्या मैं ये लिखूँ कलकत्ता जा रहा हूँ कि 4:30 बजे राजधानी छूटने वाली, या मैं ये लिखूँ कि चाय पीने की इच्छा थी पर अभी पेंट्री कार से कोई आया नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ, या रघुराय का कोई चित्र याद कर लूँ जो है उनका एक बड़ा सुंदर चित्र और मेरा बड़ा प्रिय चित्र है, जिसमें एक बैरा जो है आपने भी देखा होगा वो छपा है, एक ट्रे में उठाए हुए हाथ में, और वो पता नहीं चलता उधर का है, ये सुबह के समय तो पता चल जाता वो उतर रहा है या चढ़ रहा है पता नहीं चलता, पर चाय की ट्रे की ट्रेन का रुकना और पास से थोड़े धुंधलके में कुछ चीज़ों का जाना, एक साइकिल शायद जा रही है, कोई घोड़ा भी होता है। तो अभी फिर बात हुसैन साहब से शुरू हुई, तो उस दिन से देखना सीखा। दूसरा भाग मैं दिल्ली आया, कल्पना कहानी वो कहानी भी सुना दी कि क्यों छोड़ी कल्पना, एक साल रहने के बाद मेरे मित्र लोग थे उनमें से कई नहीं रहे, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे लगभग सारे मित्र मेरे हैं सम वैसे, ये मेरे जिसको मंडली के कह सकते हैं आप, महेंद्र भल्ला, दिनेश ठाकुर, कमलेश जी, विष्णु खरे, ये सब जा चुके, तो ये सब लिखते थे मुझे दिल्ली में, अलकाई साधे कर रहे हैं, रविशंकर जी हैं पढ़ता रहता है मैं भी, और यामिनी जी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, टॉकिंग 60s। तो मैंने एक दिन रविशंकर जी का मैं जानना चाहता हूँ, बड़े उच्च असर में पड़ गए, उन्होंने कहा क्या मैंने आपको किसी कष्ट में रखा है, मैंने कहा नहीं आपने कष्ट में नहीं रखा, पहले बहुत मनाते रहे मेरे ट्रेन पकड़ते को मुझे मनाते रहे, उसको भी कभी नहीं भूलूंगा, उनके घर में उस जमाने में 5-4 लंबी गाड़ियाँ थी, उन्होंने सबसे छोटी टिकट मंगाई, ड्राइवर देखा मैं गाड़ी चलाऊँ, देखिए ऐसे लोग जीवन में मिले, गाड़ी चलाकर स्टेशन तक कहते रहे, शुक्ल जी मुझे कहते थे, हालांकि बहुत छोटा था मुझसे, वो भी बहुत बड़े नहीं थे उस उम्र में, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था, वो 35 के रहे होंगे, 24-25 कर, मैं कह रही वदेव शाह जी आप समझोगे कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, असल कारण ये है, फिर मुझे जाने दिया, अब मैं फ्रीलांसर हूँ और दिल्ली आ गया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई जॉब नहीं, तो राम कुमार जी मुझे देश के इतनी बड़े चित्रकार, वो मुझे कहानी कार कभी कोई जानते थे, एक दिन कहीं भेंट हो गई, उन्होंने कहा तुम यहाँ आ गए तो इतना क्यों छोड़ दी, निर्मल के छोटे भाई वो बता रहे थे कि तुम्हारे कहीं यहाँ आ रहे थे और तो तुम मेरे स्टूडियो में,
गोल्ड भी देखिए, लेकिन उसी को मिलता है जो गांव भी नहीं कहूँगा, गांव कुछ नहीं है जीवन में, केवल आपका हृदय, आप करना क्या चाहते। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो राम कुमार जी ने अपने स्टूडियो में जगह दी, थोड़ा सामान लिया, 3 महीने उनके स्टूडियो में रहा, सेन साहब आने लगे, फिर मित्र थे, फिर से वो तार जुड़ गया। फिर वहाँ आते थे कृष्णा अय्यर मेहता, देश के सारे बड़े चित्रकार, कॉफी हाउस में स्वामीनाथन मिल गए। स्वामीनाथन दूसरा अचंभा मेरे जीवन और विलक्षण व्यक्ति जिन्होंने भारत भवन बनाया, रूपंतर संग्रहालय बनाया, इतने बड़े चित्रकार, इतने बड़े कला चित्रक। तो एक दिन धर्मी वर्ग से भारती जी ने राम कुमार जी के धर्मी भारती अपनी यात्रा बता रहा हूँ, तब सांस्कृतिक पत्रकारिता की एक पत्र लिखा भारती जी ने, मुझे किसी युवक का नाम बताइए जो मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, दिल्ली में कुछ हो रहा है, कोई कला प्रदर्शनी है, तो वो उसकी रिपोर्टिंग लिखकर भेज दिया था। स्वामी से इतना परिचय हो गया, तो मैंने कहा स्वामी सतीश बिहार की प्रदर्शनी चल रही है, पर थोड़ा पानी ने कहा क्या चिंता। मैंने कहा चिंता तो कुछ नहीं है, पर फोटोग्राफ में कहाँ से लाऊंगा, 50 रुपये देगा फोटोग्राफर तो तुमसे 50 मांगेगा। तो बोले तुम चिंता ना करो, मैं सतीश से चित्र ले लूँगा। तो सतीश गुजराल से एक चित्र ला कर उन्होंने मुझे दिया, एक कृष्ण कुलकर्णी जी जिनको बहुत कम लोग याद करते हैं, बड़े चित्रकार इस देश के, एक प्रदर्शनी पर लिखा मैंने, दो रिव्यू छप गई। उनको देखने के बाद एक दिन वासन जी मुझसे गई फ्रीलांसर का दिन मान के लिए बोले कि अब आप कला का कॉलम लिखना शुरू करो हमारे यहाँ। एकदम घबरा गया, मैंने तो कला, मैंने कहा मैंने तो कभी कुछ लिखा नहीं। बोले नहीं आप लिखते हो, मैं उनका इशारा समझ गया। श्रीकांत वर्मा इस पर करस्पॉन्डेंट थे, वो जब करस्पॉन्डेंट बने तो वो कला का कॉलम लिखा। अब सोचिए क्या किया मैंने। वासन जी ने एक दिन पहला असाइनमेंट मुकुल देव की प्रदर्शनी, तंगाल स्कूल के बड़े कलाकार, मैंने तो बस केवल नाम भर सुना था, तो मैं तो चुपचाप बैठा रहा था। तो बोले नहीं आप चाहिए तो शायद आपको अच्छा लगे। मैं समझ गया कि असाइनमेंट और करना है। तो नेक्स्ट स्टेप वॉज टू गो टू ललित कला अकेडमी लाइब्रेरी एंड रीड अबाउट मुकुल देव एंड आस्क माई फ्रेंड्स हु इज मुकुल देव, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। मनोहर श्याम जोशी सहायक संपादक मेरी बड़ी मदद करते थे, उनसे कुछ पूछा। 3-4 दिन उसमें मैं लगा रहा, तब उन दोनों छोटे छोटे फोल्डर छपते थे, बड़ी बड़ी किताबें छपती। अभी दिल्ली में क्यूरेट, मेरी क्यूरेट की भी 2 प्रदर्शनियाँ चल रही, जिसके बीच से मैं यहाँ आया। कल शाम को भी एक कला चर्चा थी अक्षर कार्ड पर, वो सज्जा नागदेव जी की प्रदर्शनी है जो राष्ट्रीय कला केंद्र में इंट्रो चल रही है 4 नवंबर तक। दूसरी प्रदर्शनी है अनवर नाम के चित्रकार की, भोपाल के थे अब दिल्ली रहते हैं, उनकी जो किताब छपी है जिसमें अंग्रेजी में मेरा भी 20 पन्ने का लेख है, उसकी कीमत है 9,000 रुपये। तो मैंने अनवर से कहा कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जिसकी अभी चर्चा आपसे कह रहा हूँ, एक फोल्डर और 9,000-10,000 रुपये की किताबें पब्लिशर्स छाप रहे हैं। रीजन बीइंग कि कला बिकने लगी, करोड़ों में बिकती। अब कई लोग पूछते हैं कला करोड़ों में क्यों बिकती है, कहता हूँ तो सभी बहुत आसान है। आप किताब खरीदते हो 1,000 लोगों के पास, या 1,00,000 लोगों के पास, संगीत नृत्य का कुछ आप खरीद नहीं सकते, कैसेट खरीदोगे वो भी बहुत लोगों के पास है। एकमात्र चीज है जो आपकी संपत्ति है कि आपने एक पेंटिंग खरीदी है,
वो आपके घर में लगी हुई है, आप उसे कलेक्टर, तो आप उसकी कीमत देते हो, फिर लोग उसको देख पाते हैं, आपको देख नहीं देते। बहरहाल तो मैंने ये पाया कि इन लोगों के साथ रहते हुए और सांस्कृतिक पत्रकारिता की दुनिया में रहते हुए दो तीन चीज़ें सीखी हैं, उसका साझा आपसे करता हूँ। एक तो ये कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको जानकर अचरज नहीं हुआ कि हम लोग शुरू से, मैं तो बहुत पहले इतना नहीं पढ़ता था, अब खेल का पेज बहुत पढ़ता हूँ, सिनेमा पर तो लिखता ही रहा हूँ, कृषि पर पढ़ता हूँ, पौधों पर पढ़ता हूँ, चिड़ियों पर पढ़ता हूँ, साली मली पर लिखा भी। रीज़न बीइंग कि अगर आप सांस्कृतिक पत्रकारिता करने चले तो आप एक नाटक, एक फिल्म या एक चित्र पर लिखने वाले हो तो ये सब चीज़ें लगेंगी जरूरी। एक चीज़ से नहीं होगा, केवल जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे कवानी जी, और कुछ चीज़ें कभी पुरानी भी पड़ जाती हैं उस चित्र सूत्र की, उसमें षडंग जो है उसमें से एक आता है सादृश्य। सादृश्य अब कहीं नहीं है, मूर्तन में कहाँ सादृश्य। तो परंपराएं अपने को नया करती हैं, नई चीज़ें आती हैं, आप नई चीज़ें जानते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्यों हुआ हम लोगों के साथ, ये कहाँ से चीज आई। ये यहीं से आई कि एक से बात पूरी नहीं होती। अद्रि विशाल जी ने यही सिखाया, वासेन जी ने भी यही सिखाया, जोशी जी ने यही सिखाया, उस समय के माहौल ने यही सिखाया, हमने कुछ सीखा। यामिनी जी से मेरा परिचय कोई बाद में हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उनको बताना शुरू किया कि अच्छा आपका वो विठल भाई पटेल वाला वो डांस का प्रोग्राम और वो जो आप सप्रू हाउस किया जो आपने, तो बड़ी हैरत बोली कैसे, तुमने कैसे जाना। मैंने कहा मैं आपका कोई जल्दी नहीं छोड़ता था, अगर संभव होता था तो मुझे दूसरा आनंद आता था, बेगम अख्तर को सुनने में अलग आनंद आता था, सप्रू हाउस में महादेवी जी आई उनको सुनने का अलग आनंद था। तो एक से बात पूरी कहाँ, और महासमुद्र है ये बता दूँ आपको, महासमुद्र में उतरे हो आप अगर सचमुच उतरे हो, नहीं उतरे तो कोई बात नहीं, किनारे पर आप बैठे रहो, क्योंकि इतना बड़ा महासमुद्र, प्रेमचंद का नाम लीजिए, इतने उपन्यास, इतनी कहानियाँ, पत्रकारिता, अनुवाद, रविन्द्रनाथ का नाम लीजिए जिन पर मैंने भी इतना काम किया, कोई किताब रविन्द्रनाथ पर छत्ती छोड़ता नहीं हूँ। अब जरूर वो स्थिति आ गई है कि पत्नी रोज हमारा झगड़ा ऐसा होता है और हम लोग को समझ नहीं पा रहे कि क्या करेंगे इन किताबों का। 3000 करीब कैटलॉग तो मैंने विमल गैलरी को दे दी, ये सारी किताबें खरीदी हुई हैं। वेतन जब मिलता था तो पहला काम घर पर बाद में ले जाओ वेतन को, पहले किताब खरीद, इंस्टॉलमेंट पर खरीदते थे। एक ऐसा ब्राक की मेरी अब तो नहीं जरूरत है, देखिए कितने भागशाली हो आप लोग, नाम टाइप करो पिकासो का, क्या क्या निकल आता है। और हम ब्राक की एक तस्वीर देखने के लिए छटपटाते थे कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो भी मैं कभी नहीं मिला। ब्राक का एक मैंने चित्र देखा, मुझे लगा ये क्या है, मैं उसके जादू में से बता। फिर मेरा भाग्य कि बहुत सालों बाद यूरोप गया, ब्राक के ओरिजिनल भी देखे, म्यूजियम्स में बहुत चला हूँ, बहुत सारी गैलरीज देखी, दुनिया के सारे बड़े म्यूजियम्स हैं। पर सांस्कृतिक पत्रकारिता या मुझे कलाओं पर लिखना है ये जिद नहीं छोड़ी। एक चीज़ का साझा आपसे करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ मिला जीवन से, इसी हिंदी भाषा ने दिया, दुनिया देखी, पत्रिकाएँ निकाली, बहुत बुरी तरह नहीं रहा, 65 साल की उम्र तक जरूर रहा हूँ किराए के मकानों में, फिर मेरी छोटी बेटी ने जो बाहर दिया, एक फ्लैट बनाया मेरे लिए, एक घर बनाया भोपाल में, अब वो नॉर्वे रहती है। मैंने पाया कि अगर आप लगे रहो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना निकले। तो
वही तो असल बात है। बाकी तो समझिए हमारे कुंजन जी जो चला रहे हैं और बाकी जगहों में चल गई चीज़ें, वो सब अलग है। 5 मिनट और फिर हम चलते हैं भोजन के लिए। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कला 50 साल से आप उठते नहीं होंगे, अरे उठना आप मुझे उससे निकाल दो। तो जल अभी मैंने अनवर के शो के उद्घाटन दिन कहा, ये 200 करीब कलाकार इकट्ठा थे, मैंने कहा तो मछली पानी वाला संबंध है, आप निकाल लोगे मुझे सब में क्या, तो बचूंगा कहा। और मेरा भाग्य कि कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं कलाकारों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों में न रहा अपनी इच्छा से। अब देखिए दो प्रदर्शनियों के बीच में यहाँ उठकर आया हूँ, आज आपके बीच में, ये करना भी नहीं छोड़ा और इसको नहीं भूलता, आप भी मत भूलिएगा। कई बार लोग डराते हैं कि आप रे ऐसा हो गया अकेले, कौन कौन पूछता है, कौन देखता है। इसी समय इस देश में इसी तरह के सभागार में कम से कम 3-4 हज़ार सभाएं चल रही होंगी, इसका मुझे अनुभव। नाट्यशालाएं हो रही हैं, कहीं अपने कोई चित्रकार स्टूडियो में बैठा काम कर रहा है। मेरी ताकत वहाँ है, नहीं सरकारों के साथ है, समाज के साथ अगर नहीं स्कूल कभी नहीं कैसे बोलूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आँख का वरदान है, तो लोग कहते हैं हाँ का वरदान का है। मैंने कहा देखिए मैं चश्मा उठाता हूँ, थोड़ा बोझ पड़ रहा है ना, पर मैंने तो पूरी बिल्डिंग उठा ली, कोई बोझ नहीं। समुद्र उठा लेती मेरी आँख, कोई बोझ नहीं। तो वरदान तेरे किस अर्थ में? वरदान इस अर्थ में है कि एकमात्र एक माध्यम है कला का। फिल्म में रिलीज चली जाती है, आती ही जाती है, तुरंत गायब हो गई, प्ले में गायब। अमृता शेरगिल के चित्रों को कुछ वर्षों तक मैंने कम से कम 200-300 बार देखा। क्यों करता हूँ? क्योंकि वहाँ मैं आधा घंटा भी रह सकता एक चित्र के सामने, और उस चित्र के सामने रह सकता हूँ तो फिर मैं उसको देखूंगा, उसे निकालूंगा। क्योंकि वो लगभग वैसी चीज हुई ना कि आपने बैंक में पैसा जमा करोगे तभी तो निकालोगे, वहां से मैं निकालता हूँ। मुझ जैसे सैकड़ों लोग निकालते हैं, हजारों लोग निकालते हैं, प्राग से, पिकासो से, स्वामीनाथन से, राम कुमार से, कोई खत्म ही नहीं। आज तक मैंने किसी काम को खराब नहीं कहा, आप भी मत कहिएगा ऐसा मेरा आग्रह। स्कूटर के पीछे बना हुआ फूल कहाँ से खराब है, उसको उतना आता था, वहाँ की जरूरत ही संदर्भ था, उसने उतना ही बनाया। उसको आप 300 बार नहीं देखो। मैं किसी होल्डिंग को बहुत अच्छा हुआ तो एक बार देख लूँगा, पर मैं चित्रकृति को किताब में, म्यूजियम्स में। तो अब मैं 78 साल का हूँ और एक मोटा अनुमान लगाऊँ तो करीब मैं 28 साल खड़ा था। अब आप पूछोगे वो कैसे? जब हम मैं समीक्षा करता था दिनभर में, समीक्षा नहीं करता, एक समय के बाद कला समीक्षकों को समीक्षा करना छोड़ देना पड़ता, कला पर लिखना नहीं रुकता पर समीक्षा करना छोड़ देना पड़ता। क्योंकि अगर एक कलाकार ने 20 काम लगा दिए, आप 2 मिनट तो दोगे, 1 घंटा हो गया। अब फिर आप म्यूजियम में चल रहे हो, लास्ट म्यूजियम जब मैंने देखा नॉर्वे का, उसमें मूंग की प्रदर्शनी चल रही थी 150वीं जयंती पर, मैं और मेरी पत्नी भी साथ में थी। तो हम अंबराज जी बड़े चित्रकार जो थे वहाँ रहते थे, उनको मिलने गए थे। तो बताइए वो कितना चला, वो गली आ रही है इतने। फिर लंदन में जब गया मैं 2009 में, तो पहली बार मैंने टेट मॉडर्न देखा था 1979 में, जब मैं 39 साल का था तब चल सकता हूँ। इस बार मैंने तय किया और बिल्डिंग दिख रही इतने गलियारे, हम कैसे चलूँगा। फिल्म, नाटक, खेलकूद, नृत्य संगीत सब आप बैठ कर, कला समीक्षा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए तैयार हो कि आपको बहुत खड़ा रहना पड़ेगा और उसमें बहुत आनंद आएगा अगर आप
कि उसमें वास्तविक दिलचस्पी है। तो अब मैं समझता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि कुछ झूठे बिखरे ढंग से अपने जीवन से जितना मुझे लगा उससे मैं कुछ बातें कह सका, आपसे साझा कर सका। साझा करने को तो बहुत है। जैसे मैं बद्री विशाल जी को नहीं भूला, हुसैन राम कुमार को नहीं भूला, इस क्रम में मेरा भाग्य ही था कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम लो जिसने पिछले वर्षों में कुछ किया हो। आप हबीब तनवीर का नाम लो, आप रतन थियाम जी का नाम लो, आप कावनम नारायण पणिक्कर का नाम लो, आप और उसमें बिल्कुल युवा लोग भी शामिल, तो वो कैसे होता है? वो पत्रकारिता विभाग आपको नहीं सिखा रहा, नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अगर इस क्षेत्र में आपको आना है तो ये सब भूल कर आइएगा, क्योंकि दबाव तो बहुत रहते हैं। मैं 17 साल टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सहायक उप संपादक था, तो माथुर साहब जब इंदौर से आए नई दुनिया से नवर टाइम के संपादक बने, तो उन्होंने मालिकों से कहा कि प्रयाग शब्द को दे दीजिए मुझे, मैं अखबार बदलना चाहता हूँ। तो हाँ, मेरा ट्रांसफर हो गया दिनमान से, माथुर साहब के पास आ गया। तो पहले दिन माथुर साहब बोले कि प्रयाग जी आपको किसी खबर नहीं की थी, तो हमारे जो ये नहीं कि आपको अब आए नहीं प्रादिक संपद की बैठक में। मैंने कहा मास्टर मैं तो सब एडिटर हूँ। वो उनको इतना अच्छा लगा, बोले आप सब एडिटर हो, तो मानते थे दिनमान में आप। मैंने कहा दिनमान कोई जगह ही नहीं, वहाँ एक वासियान जी संपादक थे, एक विशेष संपादक था, एक वरिष्ठ उप संपादक, लेकिन नहीं छोड़ा दिनमान क्योंकि आनंद आ रहा था। 10 साल लिखा है दिनमान का पालन कला का। तो बहरहाल वो एक दूसरा प्रसंग है, लेकिन उनकी भी याद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में कला संपादक का क्रिएट पद क्रिएट करवा कर माने। मैंने कहा कि माता साहब से तेरी क्या जरूरत है? बोले नहीं, मुझे उन्होंने चीफ सेक्रेटर बनाया, असिस्टेंट एडिटर बनाया, फिर वहाँ नहीं रुके। फिर मालिकों से कहा कि आप एक आर्ट्स एडिटर का पद आप बनाओ, उसके बाद अब उसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं उस आर्ट्स एडिटर के पद में नवहारा टाइम्स के कला संपादक के तौर पर रिटायर हुआ। '98 में छोड़ दिया नवहारा टाइम्स, इंग्लिश शुरू करें 6 महीने तक बैठा था। मैंने कहा ये मुझसे नहीं, तो हमारे मैनेजर उनको चाहते थे, बोले फिर आगे टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्लैट चला जाएगा, अब क्या करने जा रहे हो, आपकी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूँगा, तो मैंने जॉब छोड़ दी, अब वो फ्लैट छूट गया। हमारे एक चित्रकार मित्र को अपने घर ले गए, ऐसी क्या बात, मैं पढ़ा आओ यहाँ रहो, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार के साथ करके 6 मिनट क्या रहा, फिर भी फोन ना था प्लेस। फिर एक दिन रामगोपाल बजाज का संदेश मेरे पास आता है कि अरे हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका निकालना चाहते हैं और आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अब सुना आपने नवार टैंक छोड़ दिया। मैंने कहा उसे 3 महीने हो गए, तो बोले कि नहीं नहीं आ पाओ। मैंने सोचा अच्छा कहाँ पत्रिका अपना संस्थान है, तो उन दिनों मेरे भाग्य से उसके चेयरपर्सन थे अंबार जी, अंबार जी के साथ में गया था चीन एक डेलीगेशन में, सुनील गांगुली अंबार जी वास्तव एमटी वास्तवन नायर 95 में, तो फिर दोस्ती जैसी हो गई। तो उन बोले तुम आते नहीं हो, तुमको यहाँ तक फोन किया जाता है, तुम लंच के लिए आओ। कन्नड़ भाषी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन बोले अरे हिंदी में पत्रिका निकालेंगे तुम करो इसको। भोजन हुआ, रंग प्रसंग के राय जी जानते हैं 36 अंक निकाले मैंने। फिर 2009 में फिर कोई एक प्रसंग आया जो मन के अनुकूल नहीं था। मेरे पीए ने कहा कि नहीं ये चिट्ठी मैं नहीं टाइप करूँगा, आप रिजाइन कर, आप इतना लोग आपको चाहते हैं क्यों रिजाइन कर। मैं कहा नहीं एक क्षण यहाँ नहीं, बोले क्या करूँगा। मैंने कहा क्या करता रहा तो क्या करूँगा, कोई सवाल ही नहीं है।
जॉब छोड़। तो तब तक संगीत नाट्य अकेडमी के वाइस चेयरपर्सन बने हमारे दोस्त रतन कियाम, देश दुनिया के इतने बड़े डायरेक्टर, उन्होंने मुझे पब्लिकेशन कमेटी में रखा। पहले दिन ही बुला लंच के समय मुझसे बोले कि एक बात कहनी तुमसे, तुम मना नहीं करोगे। संगीत नाटक अकादमी की अंग्रेजी की पत्रिका है 60 साल से, हिंदी की नहीं है। और मैंने कहा मैं कब तक काम करूँगा। तो फिर मैंने कहा इसको फिर से दोहराता हूँ, प्रचार मत मानिएगा, खाली एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने आनंद उठाने, काम करने की लगन की इच्छा तो कोई नहीं रोक सकता। आप कितने बड़े बनोगे, कितना सफल होगे, नहीं होगे, कई लोग मिट भी जाते हैं, लेकिन उनके मिटने के कारण ही तो हम आज बोल पा रहे हैं अपनी जीत में, उसकी भी तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना। और ये कोई मेरी कथा नहीं, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, सबकी यही कथा। मार्केस कोलंबिया के इतने बड़े लेखक जो अब नहीं रहे, नोबेल प्राइज मिला उनको, जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मार्केस को और से अब ये आखिरी सचमुच आखिरी बात है, मैं बैठ जाऊँ तो उनकी जो बात कथा आई तो मैंने खरीदी, बड़ी मोटी सी आत्म कथा है, बहुत सुंदर। उसमें प्रसंग आया कुछ मुझ जैसे कि अपना गांव शहर छोड़ करके वो कोलंबिया की राजधानी में आ गए हैं और जॉब्स करते हुए हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अखबार के इर्द गिर्द रहें और तो अपना वहीं बिछा कर सो जाते हैं, कुछ लिखते हैं, बहुत मार्मिक प्रसंग है वो। तो कोई 8-10 बरस से वो घर नहीं गए, ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। तो एक दिन वो कुछ लेटे हुए हैं, हल्का सा अंधेरा है कमरे में और एक स्त्री दरवाज़ा खुलती है, तो ऐसे देखते हैं, 10 बरस हो चुके हैं माँ से मिले, मेरी एक नहीं पहचान पाते, इस डेस्ट दरवाज़ा खुलती है, अंग्रेजी अनुवाद में है, मार्केस आई एम योर मदर। कुछ भी नहीं पड़ा, पड़ा बस एक चीज में है कि जो काम आप करने चले हो उसमें आपको आनंद आ रहा है कि सारे पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियों को मैं मना करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करता, क्योंकि उसमें इन लोग को याद नहीं, उनके पति पिता या भाई ने कहा है कि करना है तो तुमको उसमें जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप जॉब की इच्छा से कर रहे हो तो मेरी सलाह ये है कि इसको बिल्कुल मत करो, कम से कम सांस्कृतिक पत्रकार तो कोई भी पत्रकारिता, खेलकूद वाले भी जो करते हैं उससे एक से एक नाम है। बहुत बड़ी दुनिया है, 24 भारतीय भाषाओं के ऑफिशियल जो लैंग्वेजेज उनके हम मतलब आप जो मैंने कहा कि महासमुद्र में आप उतरे हो, और मैं तो अपने को रोज अज्ञानी मानता हूँ, मैं नहीं मानता कि मुझे कुछ आता है, कैसे आएगा। अभी मेमाड़ी जी जिनको ज्ञानपीठ मिला, हमारा अच्छा संबंध है, बातें होती हैं, क्योंकि उपन्यास खोसला को जानता रहा हूँ, उसको पढ़कर मैं एकदम ये हो गया, कह रही इतना बड़ा लेखक हमारे बीच में। तो अभी अमर उजाला वालों ने एक पुरस्कार शुरू किया, मुझे भी निर्णायक बनाया, जो किताबें आई उसमें उनकी कविता मैं जानता था कि वह निर्माण जी कविता लिखते हैं, पर वो कविताएँ इतनी अच्छी इतनी गहरी होंगी जो मैंने नहीं सोचा। तो अगर मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ तो इसका ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ये मत मानिएगा कि आपको आता है, जिस दिन आप ये मान लो कि आपको आता है आप कुछ लिख पढ़ नहीं सकोगे। अब मैं बहुत देर भूल चुका, पहले तो बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी होता है कोई तीली जैसी सुलगा दी जाए तो फिर वो रुकती नहीं है, तो जलने लगती, कुछ धपक पड़ती।